अच्छा बच्चे इन्हीं के उड़ाते रहे हैं अपने घर के जोड़ों। कितने रोजा टूर्नामेंट था? 3 रोजा। कितनी छतें होती हैं इसमें मुल्तान सुल्तान में? अच्छा सही, तो तीसरा साल है ना इसे मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट का, तीसरा साल। रिजल्ट देख लेते हैं पहले, रिजल्ट कैसा आ रहा है? तो यार दोस्त आए तो फिर उनसे पूछते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जाहिद अब्दुल्ला अंसारी और इस वक्त हम मौजूद हैं खलीफा फराज की छत पे, 14 नंबर चुंगी मुल्तान। आपने टाइटल देख लिया होगा, क्षेत्र चैम्पियन 2023 उनके साथ मौजूद हैं। रिजल्ट बताइएगा, रिजल्ट कैसा आ रहा है? फिर जो है शोर का आगाज करते हैं। ये मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं हर साल, क्षेत्र हो गया, डेट हो गया। तो अभी जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों आल पंजाब तक पूरे पाकिस्तान में बच्चों के टूर्नामेंट उड़े हैं, तो मुल्तान में भी एक ऑर्गेनाइज हुआ था मुल्तान सुल्तान क्षेत्र चैम्पियनशिप। उसमें खलीफा फराज भाई की जो है ना पहली पोजीशन आई है और चैम्पियन बने हैं। आपको इनसे गपशप भी करवाते हैं। मुल्तान की काफ़ी नामवर छतें इस टूर्नामेंट में उड़ती हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान पूरे मुल्तान की छतें तकरीबन उड़ती है, बड़ी बड़ी है ना। फेल भाई उड़े थे इस बार इस टूर्नामेंट में, उनकी तबीयत ख़राब है। तो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? बाबर शाह। अच्छा अच्छा, यानी कि मुल्तान की जो बड़ी छतें हैं उस्ताद काशी वानी साहब, ये रखना चाहते हैं। अच्छा जी, रिजल्ट बताइएगा कैसा आ रहा है? ये जी हमारे साथ हैं खलीफा फराज, ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है और जो उड़ने वाला सेटअप है ये ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। ये आपको दिखाएं कि कितने, 3 रोज़ा टूर्नामेंट है ना? अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। अच्छा ये बताएं, शागिर्द किसके हैं आप, किधर के हैं? वो मुल्तान के ही है, उन्हीं के रहनुमाई में उड़ता है। अच्छा अच्छा, बाकी देखभाल संभाल उड़ान खुद करते हैं? अच्छा, कैसा रहा है मौसम के हिसाब से, कैसा रहा है टूर्नामेंट? मौसम तो बहुत है। अच्छा अच्छा, तो ज़ाया भी हुए हैं बच्चे? बच्चे ठीक रहे हैं, पहले 6 बजे उठते हैं, 5 का टाइम होता है। अच्छा, तो पहले दिन एक बच्चा स्टार्ट हुआ है, लास्ट वाले थे, बारिश थी, ओले पड़ रहे थे। अच्छा अच्छा, बच्चा उठ नहीं रहा है, तो शाम नहीं था। सही है, बस वो दिन बारिश हो रही है, वहाँ वगैरह। अच्छा अच्छा, आवाज़ देख लेते हैं, आवाज़ क्लियर है? अगर आवाज़ का मुझे एक मैसेज कर दें दोस्तों। जी ठीक हो गया, आवाज़ सही आ रही है, मैंने चेक कर दिया। कबूतर कौन कौन से रखे हुए हैं आपने? मेरे पास 15 से 18 साल के अच्छा अच्छे परिंदे बन गए। अच्छा अच्छा, शोक करवाएं जी, इन्हीं के तकरीबन बहन भाई इन्होंने उड़ाए थे। ये 14 नंबर चुंगी है जी, ये सामने जो फ्लाई ओवर है 14 नंबर का है। आ जाएं इधर, आ जाएं आप। लो जी कबूतरों का शोक, इधर ले आना चेयर के, दिखाएं जी कबूतर। ये जी सेटअप बनाया हुआ, बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ। कितने, 2 बाई 2 के खाने हैं? हाँ जी। अच्छा, साथ साथ ना हमें बताइएगा कि क्या इनके रिजल्ट्स हैं कबूतरों के, और इनके बच्चे उड़े हैं आँख से छोड़ कर। लो जी माशाल्लाह, पहला कबूतर ही बड़ा जानदार कबूतर दिखा दिया है फराज भाई ने। फराज भी क्या रिजल्ट रहा है इसके कबूतर का? माशाल्लाह इसके आगे 500 रुपये।
आवाज 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 देख लेते हैं, आवाज कैसी आ रही है। अच्छा मेरे पास तकरीबन सही आ रही है आवाज। दरअसल शोर है ना अपना रोड वाली साइड पे ट्रैफिक है, जिस वजह से जो है ना शोर आ रहा है पीछे से, बाकी आवाज़ तकरीबन क्लियर है। दोबारा शो कराइएगा स्पीकर पर। दरअसल मेन चौक है साथ ये 14 नंबर चुंगी लगती है और उसका शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, ये कबूतर बता रहे हैं फराज भाई कि इनके बच्चों के बच्चे जो है ना हमने आगे उड़ाए हैं। एज कितनी है इसकी? अच्छा, पर काटे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ा जानदार कबूतर है। ये भाई हैं, इनका क्या नाम है? मौजन। आप भी इधर ही होते हैं? शौक है भाई को कबूतरों का? अच्छा, शौक जब तक दो तीन भाई वगैरह इकट्ठे या यार दोस्त ना कर रहे हो ना शौक, तब तक शौक नहीं होता। अभी इस तरह का ये स्पीड पकड़ गया शौक कबूतर पर का। तो ये कौन सा परिंदा है? अच्छा ये खुशी का बेटा है, जो पहले मैंने दिखाया है। ठीक है। उसके आगे जो बच्चे और खाई है। अच्छा, इसके बच्चे भी उड़ाए थे आपने? ये है जी वो कबूतर जिसके बच्चे उड़ा के चेतर चैंपियन बने हैं जी मुल्तान के खलीफा फराज, और वाकई ही चैंपियन पर लगा है कबूतर को देखे ना जी, बहुत अच्छा कबूतर है दिखाना ऐसे। ये कबूतर है दिखाएं जी। अच्छा लाल आंखों वाले तकरीबन हर जोड़े में मैंने देखा है, तकरीबन लाल आंख आपने डाली हुई है, सही रहती है मुल्तान के हिसाब से? कोई लाल आंख के बगैर मजा ही नहीं आएगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मादा है, मैंने इसको शो किया था, घर की है ये, डब वाली मादा है, बहुत ही आलीशान कबूतर। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त उस्ताद इमरान। हाँ जी इमरान भाई, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, बहुत लेवल की मादा है यार, पढ़ दी कही। और पर भी बड़ा आलीशान लगा हुआ है, एक मिनट पकड़ के रखे ना आप। इनके बच्चे उड़े हैं जी जो के मुल्तान चैंपियन बने हैं। हाँ जी वकास भाई, क्या हाल चाल हैं? ठीक है। आज ही आए हैं हम खलीफा फराज की छत पे, जो कि पिछले दिनों चैंपियन मुल्तान भी बने हैं, और बड़े एजाज की बात है, कम उम्र में खुद ही उड़ाते रहे हैं। अच्छा जी, तो सारा खेल पानी हर चीज़ खुद? अच्छा, छा गए हैं फिर तो शौक रहे हैं आपका। जी, ये कबूतर हैं जी मुल्तान की गर्मी में उड़ने वाले। मैक्सिमम जेठ में कितने बजे तक बैठा है मुल्तान में आपके कबूतर? इसके पट्टे मेरे पास ये तकरीबन 3-4। एक बार आंख दिखाए ना, दोबारा दिखाएं, कितने बजे तक? 3-4 की पट्टी में बैठते हैं नॉर्मल। ये बता रहे हैं कि इसके बच्चे जो है ना तीन चार की रेंज में टाइम में बैठते रहे हैं जेठ में ना। इसे खुद उड़ाया आपने इस कबूतर को? नहीं, ये भी घर का है। अच्छा, ये भी घर का ही है। अच्छा जी, हाँ जी विकास भाई देखें, ये सेटअप बनाया हुआ है माशाल्लाह, कम जगह में बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। कितने जोड़ों का सेटअप है ये? ऐसे टोटल 3 लाइन है।
18 18 जोड़ों का। ये भी जेड में ये मादा जब 45-46 टेम्परेचर पे ये तकरीबन 23 तक बैठती है। ये इन्हीं में से है जो पहले दिखाए हैं लाल आंखों वाले। ये बता रहे हैं कि जेठ में खुद जो है ना बैठती रही है। आगे बच्चे इसके बच्चे उड़ाए हैं, इसी के बच्चे पिछले साल अपना उसको में ये अच्छा रिजल्ट देते रहे हैं। आज एक पठा तकरीबन 1:15 तक लगभग उठा रहे हैं आज। अच्छा अच्छा पर बंधे हुए थे उसके। सही है, 6:46 में बैठा था ना। जूम दिखाना इसको। माशाल्लाह पॉइंट सारे पूरे हैं इस माता के। अच्छा जी, कुछ जोड़े इधर लगाए हुए हैं। और कौन से रखे हैं कबूतर ज़्यादा? सियालकोट भी बड़े हैं, टैडी भी बड़े हैं। ये किन में से माता? सियालकोट के में। ये जी अब आपको एक सियालकोटी माता का शो करवा रहे हैं। ये 35 पे 15 वाला सेट होता हुआ था उस टाइम मेरी पहली जेठ में। या जेठ कौन से सन में? ये 19 में, 2019 में। अच्छा 2019 के चैंपियन आप थे। 15 वाला सेट होता था। 15 वाला, 15 वाले में ये 5 गिर गए 37 में तकरीबन माता। अच्छा अच्छा ये बता रहे हैं 5:37 पे जेठ में बैठी थी, फिर ये बाद में जोड़े डाली है। तकरीबन सारे तकरीबन जो है ना जोड़े इसी तरह लगाए हुए हैं। अभी गपशप हो रही थी हमारी, ठीक है ना। ये माता है जी, इसका भी शौक है। ये ले ये कौन सी माता है जी? ये जी हमारे चिड़िया बलीर है। चिड़िया सही है। इसके उड़ाए हैं बच्चे बच्चे इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये है किन में से? ये है डैडियों में से। ठीक है, हमने इनका नाम रखा हुआ चिड़िया। अच्छा माशा आँख की इसकी चमक ही बहुत अच्छी अच्छी है तरीके की ना कबूतर की। मेरे पास उठा हुआ। अच्छा बता रहे हैं कि भाई ये खुद भी उड़ा हुआ है कबूतर ना। पर दिखाइएगा ये जी चिड़िया ब्रेड बनाई हुई है इन्होंने। अभी दरअसल करीब लगे हुए ना यहाँ तक तक बन गए, नए पर आ गए आगे इसमें लाने। तुम दिखाइएगा इसमें। दरअसल आप पकड़ते ही है ना। वजी भाई की तरफ से आए हुए हैं बच्चे बच्चे उड़े हैं कोई? वजी खान लोधी की तरफ से जो 6:46 में बैठा था वजी भाई की तरफ से आए। अच्छा में से वजी खान लोधी जी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं मुल्तान में, बड़े अच्छे टूर्नामेंट और बड़ी अच्छी जो है ना तकरीबन टीमें नामाद करवाते हैं। वो अपना फराज भाई के दोस्त हैं, उनकी तरफ से बता रहे हैं कि ये भी इसी ब्रीड में से जो पहले दिखाया, क्योंकि आँख इसकी तकरीबन उसी जैसी है जो पहले आपने दिखाया था। ये नरम मादी है, ये मादा और दिखाइएगा। ठीक हो गया। इसके उड़ाए थे बच्चे इधर टूर्नामेंट? ये सब हमारे क्या शुरुआत करना है। अच्छा अच्छा ये जी मेट्रो जा रही है। शोर दरअसल इसलिए ज़्यादा है कि हम बिल्कुल 14 नंबर जो चुंगी है ना मुल्तान, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे इधर छत है। राहुल भी ये किन में से है? ये भी चिड़िया में से। अच्छा काफ़ी यानी कि बनाए हुए हैं एक।
मेरे पास इसके आँख का लेंस देखे हैं जी, कैसे जूम इन जूम आउट हो रहा है। इधर जरा जूम करने से ये चीज बहुत देखते हैं। और दिखाना अगर कलर रीडिंग का तकरीबन सेम से नहीं है जो आपने दिखाए हैं, तीन चार आँख पर रंग डोम अच्छा, मुकाबले वगैरह भी बाजिया बाजिया लगती हैं या सिर्फ टूर्नामेंट ही उड़ा रहे हैं? टूर्नामेंट उड़ा रहा हूँ, शौक मैंने इसमें किया था। अच्छा, अब भी इंशाल्लाह जिंदगी बखार, शौक तो मुझे उड़ा गया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। इस वक्त हम मौजूद हैं, आने वाले दोस्तों को बताते चलें, चेतर चैंपियन मुल्तान 2023 खलीफा फराज की छत पे उनके जोड़े वाले कबूतरों का शो करवा रहे हैं आपको। ये जो 6-5 माता जी सियालकोटी की माँ, अच्छा ये वाला पढ़ दिखा इधर वाला। अच्छा, ये जो अभी एक सियालकोटी माता का शौक करवाया ना, ये उसकी माँ है, 6-37 की बता रहे हैं, खेत में बैठी थी और उस टाइम भी चैंपियन बने थे 2019 मुल्तान, बहुत बेहतरीन पा रहे। किस नाम से है? इखलाक खान वाला। अच्छा, उस्मान अरुल साहब। जी, ये भी उन्हीं में से है, ये इसकी एज ज़्यादा लग रही है, ये मेन है। अच्छा आपको दिखाया है ना, हैं कबूतर बेसिक टैडी हैं लेकिन उन्होंने चिड़िया ब्रीड के नाम से बनाए हुए हैं। अब ये देखें कि एक ब्रीड के चार दिखाए हैं कबूतर, चारों की आंखें तकरीबन सेम है और रंग सेम, बहुत आलिशान दिखाना पड़ता। ये खुद उड़ा है? ये वैसे इधर से निकल गया था, 3 दिन बाद आया था। अच्छा, ये कबूतर है। और कौन से रखे हुए हैं जी? लाखे डैडी लाखे कैसे रिजल्ट दे रहे हैं? कौन से वजी भाई वाले हैं या कौन से हैं? वजी भाई तो मुझे दे रहे थे, मैंने ले लिया था। अच्छा, बाकी मैंने उसका रिजल्ट देखा हुआ, वो बहुत अच्छे अच्छा अच्छा रिजल्ट देखा। जी जी वजी भाई के जो है ना अपना डेरा कभी खान में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है उनका ना। मैंने अपने हाथों से वहाँ खुद बैठ के मैंने फिर लिए लोधरा या इधर ही इतने अच्छे तो बहुत मेरे ख्याल में मकान नहीं है। अच्छा, जैसे वजी भाई के पास ये कौन सी माता है? ये माता ये नहीं गोल्डन में से निकली है, हम गोल्डन कहते हैं उसमें, ये कबूतर का माता है। सही है। क्या इसका क्या बैकग्राउंड रहा है जनाब? बहुत कुछ कर रहा है। ये आपको इसके बाद कबूतर दिखाएंगे, बड़ा आलीशान कबूतर है, इसका हर वजूद आंखें तो किया है, कबूतर का मजा आ गया, बिल्कुल बंद दुम का कबूतर। ये इन्हीं में से है? अच्छा, जितने भी लाल आंखों वाले कबूतर दिखाए हैं ना, पक्के मजबूत कबूतर हैं जी। रंग का 19-20 है लेकिन आंखों की पायदारियां सेम है सब कबूतरों में। मैंने मादियां चेंज करके मैंने ये करवाए हैं ना, इसलिए कलर में फर्क आया है। ये देखें जी इसका फर्क, पर आज इससे उड़ाए हैं बच्चे। अब इस टूर्नामेंटों में दोबारा पर दिखाना, इस टूर्नामेंट में नहीं उड़ाए, ये जोड़े अब लगाए हैं ना। अच्छा अच्छा, इस जोड़े मैंने ये अंडे उठे हैं। सही, डूम दिखाना है सही सर, बहुत बेहतरीन सही सर दिखाना जरा इधर। ये छोड़ दें,
अच्छा जी, ये कौन सी कबूतरी आई है? नर? परदेसी आ जाता है वापसी जब उड़ाते हैं, या परदेसी हो जाता है? ये माशाल्लाह मेरे पास 5-6 महीने का बैठे हैं। अच्छा, इसे मैंने 2 महीने बाद भी छोड़ा है ना, ठीक है, तो ये इसी परिवार में रहता है। आगे बच्चों का भी इसका यही रहता है, 15 दिन बाद छोड़ता है, 1 महीने बाद छोड़ता है, इसी पट्टी में रहता है। अच्छा, ये शो करें जी, बता रहे हैं कि जब भी इस कबूतर को छोड़ा है ना, बेशक 15 दिन बाद या हफ्ते बाद, तो शाम की ही परवाज दी है। अब आप दोस्त चेक कर लें इस कबूतर की आंखें, पलकें, ये अपनी जुबानी बता रहे हैं फराज भाई कि ये शाम की ही परवाजें दी हैं इसने जब भी इसे छोड़ा है। इधर ही रखिएगा इसे, इधर ही रखिए, ये देखें जी, ये इसका हो रहा है और पर दिखाइए कबूतर का, पर अभी करीज लगा हुआ है कबूतर। ये है जी मुल्तान की गर्मी में शाम शाम बैठने वाले कबूतर। लास्ट टाइम कब उड़ाया था जोड़ों में डालने से पहले फराज भाई? तकरीबन 3 साल हो गए जोड़ों अच्छा, ये एक फीमेल आई है जी गोल्डन, में ये अभी आपको पहले भी गोल्डन जी कबूतर जी दिखाया था, जी जी उसका और उसका बाप ये भी है, जी ये आज जो में से अभी लग रहा है कि केस की आंखों में सफेदी आ गई है, पता नहीं गोल्ड बहुत अच्छा है। रिजल्ट है तो अल्लाह पाक ने जी इज्जत दी है, चैंपियन बने हैं चेतक 2023। और देखें जिस तरह का इसके भाई का पर था, अभी गोल्डन दिखाया, सेम पर में कबूतरी है। इसकी बनावट देखें ना जी पर की, ये बाहर अंदर जाके फिर बाहर की साइड पे निकले हैं सारे पर। ये शेप देखें आखिरी पर की, ये चीज बनावटें देखें कि पर कैसे चढ़े में, बहुत प्यारे पर की माता है, बहुत ही ऐसे आके फिर बाहर निकली हुई है। हसनपुरी साहब बताते हैं ना कि मेरे मोस्ट फेवरेट कबूतर ये हैं जिनके पर ऐसे आके फिर ऐसे जाएंगे, बाहर बहुत आलीशान। आप आगे कर लेना, इधर इधर ही कर लेना, इधर ठीक है। ये आपको जी 3-4 बता रहे हैं कि लाख के कबूतर है, उनका शौक करवाते हैं। अच्छा, ये कबूतर है फराज भाई, मोस्टली इस रंग में मैंने तकरीबन देखा है, अगर उड़ जाए तो शाम तक, ना उड़े तो 5 5 तक, यानी कि 5 मिनट तक। कैसा रिजल्ट रहा है इस कबूतर का? बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छा आँख दिखाइएगा, कितने बजे तक उड़ा है कबूतर ये? 2-3 बजे तक मेरे पास आम रूटीन में बैठता है, जेठ में, चेतर में, जेठ में, बरसात में। जेठ में, जेठ में। कबूतर का रंग दिखाते हैं जी आपको, और अभी परवाज में छोड़ा हुआ हाँ जी, दिखाना पर। ये वो कबूतर है जी, लाखा कबूतर, लाखे मुल्तान में तकरीबन जिस छत पे भी चले जाए ना, आपको 4 5 जोड़े लाखे लाजमी मिलेंगे। अब उसी में से ये लाखे हैं जी, पहला लाखे कबूतर का शौक करवा रहे हैं खलीफा फराज के, और माशाल्लाह पर की बनावट बहुत अच्छी है कबूतर की, बहुत अच्छी जोड़े कली है पर की, और ऐसे चढ़ाव बहुत प्यारा है, मुकम्मल भी पर खोल, ये देखना बनावटें बहुत प्यारी हैं, और ये मैं मुकम्मल खोलता हूँ ना, मुकम्मल खोलने के बाद भी गैप नहीं है परों में बिल्कुल भी, ये देखें बहुत अच्छा कबूतर। ये घर का ही है पठाया, दिखाना और, अच्छा इंडियन कबूतर होते थे पहले इस रंग में ना, ऐसे ही ये थोड़ी इसकी आंखों में ला ली है, वो वाइट आंखों में होते थे।
ये जो आपको कबूतर दिखा रहे हैं ना, ये अभी उड़ार में छोड़े हुए हैं फराज भाई ने ना। मैंने कहा चले जी शौक करवाते हैं। फराज भाई इधर ही आ जाओ, कुर्सी आप इधर कर लेना, ताकि आखिरी 3-4 कबूतरों का शौक करवाएं, मजा तो आए ना, दिखाएं। ये कबूतर देखें। अच्छा इन्हीं में भी गोल्डन है जो आपने दिखाए ये हैं? आपने चीने दिखाया है ना, जी। चीने निकले मेरे पास ये गोल्ड में, तो अच्छा एक मिनट रोकिएगा इधर ही। उन्हीं में से ये आगे बनाया। अब अगर आप इतना अगर देखें ना, तो लाखे कबूतरों की खासियत ये है, कुछ भी आप डालें ना इनमें, टैडी डालें, कुछ भी डालें, इन्होंने निकालने तकरीबन 80% लाखे कबूतरों ने लाखे ही निकालने हैं, अगर बशर्त के पीछे वो ओरिजिनल लाखे हों तो। कर दिखाइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई, ये उड़ा रहे हैं, कितना कूट रहे हैं कबूतर ये। ये अभी तक तो मैंने पाइप नहीं निकाला, जो ना अच्छा, ये सीजन है ये और 3 जेठ के मतलब कबूतर हैं क्या? ये जेठ में। अच्छा, ये उड़ाने हैं जी जेठ में कबूतर। कबूतर की आँख ही माशाल्लाह बहुत आउट क्लास है। ये फराज भी ये पहले साल का है, उड़ार में डाल दिया, उड़ा रहे हैं। ये जी लाखे कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। ए हमारे बड़े प्यारे भाई आए हैं जी, आप भी जोड़ा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, कितना से इनका ताल्लुक है जनाब, किसी तारीख के मोहताज नहीं है आप जोड़ा साहब। अच्छा जी कल दिखाइएगा। अच्छा माशाल्लाह जो है ना, अल्लाह पाक इज्जत दे जी आपको जेठ में भी, पर बहुत आलीशान लगे हैं कबूतरों को। जरा मोहब्बत से जो है ना इसका फर्क हो क्या, ये चीज बहुत कहती। ये जितने भी दिखा रहे हैं ना कबूतर, ये उड़ार में छोड़े हुए हैं, तो हमने पे चले गेट वाले कबूतरों का भी शौक करवा रहे हैं। बच्चे दरअसल जो चैंपियन बने हैं ना, उनकी पर पिटाई दी हुई है, वो फिर आगे उड़ानी है गेट में। अच्छा, ये जो बच्चे गेट में उड़ाएंगे ठीक हो गया। ये जी मादा का शौक करवा रहे हैं, माशाल्लाह आंखें सबकी लेवल की हैं। ये आपके दोस्त भी आए हैं जी, मोहसिन अंसारी फ्रॉम मुल्तान, पर भी गए। ये घर के हैं? क्या ये उड़ाई हुई है? नहीं, ये जोड़ों की बड़ी मात्रा है, ये जोड़ों तो वाली है, रेस्ट पे छोड़ दी है। ये कौन सी माता है दिखाना जरा? ये तो आपके बनाई हुई है 2x2 की, बड़ा अच्छा कटा बनाया है। ये सियालकोट की माता है, एक शौक करवाते हैं, इसका क्या रिजल्ट रहा? तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हो गए हैं तकरीबन। ये जो ठंडे मिजाज के कबूतर हैं मुल्तान की गर्म गर्मी में, ठंडे ठंडे उड़ने वाले, तिरास में लगाया हुआ कबूतर लगाया। लगी हुई है हमारा, और 30 कबूतर और कराना जरूरी।
ये नट लगाया हुआ इनमें से एक मोटरी थोड़ा गोल्डन क्रॉस है सही। नहीं सियाल गोटियों का लाल आंखों मेरे को अच्छा जो है ना क्रॉस काम करता है। करें जी क्लोज। ये जी हमारे साथ है चेतर चैंपियन मुल्तान सुल्तान 2023 खलीफा फराह साहब। चलें जी आपको जेठ के लिए बेस्ट ऑफ लक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा शौक देखने को मिलेगा दोस्तों को। ये बच्चे भी छोड़ दें ऊपर। अच्छा अच्छा ये जी 14 नंबर चुंगी पे छत है भाई जी, आपको शौक करवा रहे थे। और बड़ा अच्छा छोटा सा सेटअप है, ये ऊपर छत है इनकी। ठीक है फराज भाई। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जाहिद अब्दुल्ला अंसारी और इस वक्त हम मौजूद थे खलीफा फराज की छत पे। आपको शौक करवाया है कबूतरों का, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा शौक। बड़े कम उम्र में माशाल्लाह बड़ा अच्छा एजाज हासिल हुआ जी। चैंपियन 2019 भी रहे हैं जेट में और अभी चेतर के चैंपियन बने हैं आल मुल्तान। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।